नमस्कार। तो चलिए अपना कोर्स शुरू करने से पहले, अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने ट्यूटर के बारे में जान लीजिए, अपने एजुकेटर के बारे में जान लीजिए। तो ये मैं हूँ शुभम मिश्रा। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैंने BA किया है एंशेंट हिस्ट्री विथ आर्कियोलॉजी में, जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के अंडर में आता है। मैंने ढेर सारे एग्जामिनेशन को क्रैक किया, लाइक मास कम्युनिकेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, MBA ऑफ BHU, MBA ऑफ CMAT, MBA ऑफ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। मैंने ढेर सारे MBAs के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। और मैं राइट नाउ अभी मैं मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में पढ़ रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मैंने MCA एंट्रेंस टेस्ट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को क्रैक किया है। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस में पढ़ रहा हूँ तो लाइब्रेरी साइंस को क्रैक किया ही होगा। ठीक है, मैंने 2018 के में जो CDS का पहला एग्जाम होता है उसको मैंने क्रैक किया है। ठीक है, और मैं ट्यूटर हूँ अनअकैडमी पे, वहाँ पे पढ़ाता भी हूँ। आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ट्यूटर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तो चलिए अपना कोर्स शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम मिश्रा आपके पास लेके आया हूँ BHU BA एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 के विषय के बारे में। तो ये पहला वीडियो है इस सेशन का। इसमें हम देखेंगे आखिर BHU BA एग्जामिनेशन क्या है, देखिए कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इसको फिल कर सकते हैं, इसका फॉर्म क्या क्या, इसके प्रोसीजर्स होंगे, नंबर्स ऑफ सीट्स कितने हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस और अफिलेटेड कॉलेजेस में, और वो किनको मिलेगा, लड़कों के लिए कितनी सीट है, लड़कियों के लिए कितनी सीट है। ठीक है, और कहाँ पे है, डिस्टेंस क्या है। ठीक है, और कैसे आप एंट्रेंस में सक्सेसफुल होने के बाद आप कैसे रहोगे, कैसे हॉस्टल अलाटमेंट होगा, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और इसमें हम बताएंगे आपको कितनी सीट्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के फॉर्मूलेज क्या है ना, जो मेथड्स हैं, जो मैंने जिस मेथड को मैं फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और उस मेथड को आप भी फॉलो कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं इस कोर्स में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, राइट। तो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बिल्डिंग है, इसी के सामने आपका झंडा रोहण होता है। ये जो ब्लू कलर की टिक दिख रही है ना, इसी के ऊपर क्या होता है, झंडा रोहण होता है आपका। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। व्हाट इज BHU? ये मॉरल कोड है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के फाउंडर हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर है, इन केस आपको नहीं पता है तो। मोस्टली सबको पता होता है और पता होना भी चाहिए। ठीक है, ये 3 साल का कोर्स है, 10+2+3 है। तो 10+2+3 का मतलब क्या होता है कि आपको 3 साल का पढ़ना होगा। ठीक है, इसमें आपको चार सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ठीक है, पहले 2 साल आपको 4 सब्जेक्ट, और आखिरी साल में यानी तीसरे वर्ष में आपका ऑनर्स पेपर और आपका एक लैंग्वेज पेपर या फिर एक एंसिलरी पेपर होता है, उसको पढ़ना होता है। सपोज दैट अगर मैं अपनी बात करूँ एज एग्जाम्पल के थ्रू, तो मैं बात करूँ तो मेरा ऑनर्स AIHC, ठीक है, और आर्कियोलॉजी था, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर और एंड आर्कियोलॉजी था। ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर तथा ऑफिस मैनेजमेंट साथ में था, और एक मेरा लैंग्वेज था, क्या नाम था लैंग्वेज का, नाम जर्मन था। ठीक है, जर्मन था। तो सुबह पहले के 2 साल AIHC आर्कियोलॉजी एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, और इंग्लिश लिटरेचर ऑफिस मैनेजमेंट, ये 3 कोर सब्जेक्ट थे, और एक एंसिलरी यानी एक सब लैंग्वेज सब्जेक्ट था जर्मन। ठीक है, ये सबको पढ़ना होगा, 4 सब्जेक्ट सबको पढ़ना होगा, चाहे वो BSc क्यों, चाहे वो BA क्यों हो, चाहे वो BA सोशल साइंस क्यों। ठीक है, ये आपको पढ़ना हो गया, तो कुल मिला के 4 हो गया। शुरू के 4 साल मुझे पढ़ना। ठीक है, फाइनल ईयर में सिर्फ आपको ऑनर्स पेपर पढ़ना होगा। एक ऑनर्स पेपर का यहाँ से मतलब होता है कि एक विशेष सब्जेक्ट में आपकी प्रतिष्ठा, यानी आप उसमें प्रतिष्ठा प्राप्त कर लोगे, आपको उसमें महारत हासिल हो जाएगी, आप अगर 3 साल उसको कर लोगे। ठीक है, और एक उसके साथ एक लैंग्वेज भी पढ़ना होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक सब्जेक्ट और भी पढ़ना होता है, क्या चीज़, यहाँ पे एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ेगा आपको सेकेंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में, उसका नाम है सॉफ्ट स्किल। ये सॉफ्ट स्किल आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, पर ये आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो जैसे मेरा सॉफ्ट स्किल में था एथिक्स था। ठीक है, एथिक्स एंड मॉरल वैल्यू मुझे पढ़ना था। इसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट एक कॉम्बिनेशन है, जो आपके इंटरेस्ट में प्राप्त हुए नंबर और रैंक के आधार पे और तथा आपके चॉइस के आधार पर मिलेगा। ठीक है, नंबर्स ऑफ सीट्स की बात करते हैं। BHU मेन कैंपस में 614 महिला और पुरुष दोनों
की सीटें हैं, ठीक है, और एक लड़कियों के लिए महिला महाविद्यालय विद्यालय है जिसमें 230 सीटें हैं, ठीक है। एक आर्य महिला पीजी गर्ल्स कॉलेज है, उसमें 307 लड़कियों के लिए फीमेल सीट है, ठीक है। वसंत कन्या महाविद्यालय, ये इसमें 230 सीटें हैं, ठीक है। वसंता कॉलेज फॉर वीमेन, इसमें 330 सीटें हैं, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। ये इसका प्रूफ है, ठीक है, ये BHU के प्रोस्पेक्टस से मैंने निकाला है, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं। और एक है DAV PG कॉलेज, ठीक है, इसमें भी इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, तो इसमें 246 सीटें हैं, ठीक है। तो आपको ये बात भी याद रखनी होगी, ठीक है। और इसमें एलिजिबिलिटी, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए सीट्स की हम लोग बात करें तो सीट में क्या है कि इसमें लड़कियों के लिए नंबर्स ऑफ सीट ज़्यादा हैं, चाहे अपडेटेड कॉलेज को मिला ले या फिर मेन कैंपस की बात करें, या फिर लड़कियों के लिए नंबर्स ऑफ सीट बहुत ज़्यादा हैं, तो लड़कियों के लिए यहाँ पे फायदा है। यहाँ पे लड़कियों का थोड़ा कम नंबर भी आता है तो भी उनको कॉल लेटर उनका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। आपको सारी बातें क्लियर हो रही है, अगर नहीं क्लियर हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख सकते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से मैं पहले बता दूँ कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ और लेसन्स मिलते रहें, ठीक है। और शुरू, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होगी, आपको 10+2 पास होना चाहिए और आपका एज 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपकी एज 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सिलेबस की बात करते हैं, ठीक, इस चीज़ में हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होगा, वन पेपर होगा जो 120 मिनट का होगा, ठीक है, 120 मिनट मतलब 2 घंटे का होगा, 450 मार्क का होगा, 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे, पर होंगे 180 क्वेश्चन, ठीक है। आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि होंगे कितने, 180 क्वेश्चन होंगे, माइंड में करके चलिए 180 क्वेश्चन होंगे। और मैं बता देता हूँ 180 कैसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल नॉलेज के, ठीक है, इसमें मेंटल एबिलिटी सारी चीज़ें कवर अप होंगी, पर जो 30 क्वेश्चन होंगे वो लैंग्वेज का होगा, यानी 30+30, 120 में 30 ऐड करेंगे 150 हो जाएगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा 30, फिर उसमें 30 और ऐड करेंगे 30, 100 मिला के 180 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको फिर लैंग्वेज में चूज करना है, लैंग्वेज चूज करना है मतलब कि ये है कि आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश का पेपर सॉल्व करिए, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी के पेपर को सॉल्व करिए जिसमें आपको लगता है ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जिस पेपर जिस लैंग्वेज को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हिंदी को सॉल्व करें या फिर इंग्लिश, इसका कोई भी मतलब नहीं है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप हिंदी का सॉल्व करते हैं तो आपको इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज लेना चाहते हैं अपने ऑनर्स पेपर में तो, या फिर अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में काउंसलिंग के टाइम, तो इस बात का कोई भूल जाइए कि आपको इससे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा। आप जिसमें कंफर्टेबल है, जिसमें लगता है आप ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को आप फॉलो करिए, उस चीज़ के पेपर को, उस लैंग्वेज पेपर को आप सॉल्व करिए, ठीक है। अब बात करते हैं 120 क्वेश्चन की, 120 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, ठीक है, वो आएंगे आपके जनरल मेंटल एबिलिटीज आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटीज आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत सिंपल आएगी, 10वीं क्लास तक की न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी या फिर 9वीं क्लास तक की, ठीक है। आई होप कि इसमें क्लियर आप क्लियर हो जाएगा, और अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो मैं मॉडल्स पेपर मॉक टेस्ट सारे हर संडे को मॉक टेस्ट क्रिएट करूँगा आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ प्लांट एनिमल्स होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन से रिलेटेड होंगे, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ, कॉमन डिजीज जो इंसानों को हो जाते हैं जैसे मलेरिया हुआ, फाइलेरिया हुआ, सिफिलिस हुआ, ठीक है, सिफिलिस हुआ और आपके त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुए, ठीक है, हैजा हुआ, कालरा हुआ, एंडेमिक, ठीक, एंडेमिक्स हुए ये सब, और या फिर जो हो जाते हैं जो टीकाकरण की वजह से नहीं होते, जैसे इबोला हुआ, ठीक है, जीका हो जाता है, तो जो जो कॉमन डिजीज हो रही हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें होंगी, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में होगा, जो पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है, ठीक है, कितने पॉपुलेशन में, किस राज्य के पॉपुलेशन ज़्यादा, किस राज्य की कम है, कहाँ पे एजुकेशन ज़्यादा है, सो इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। प्रोडक्शन ऑफ फूड और रॉ मटेरियल्स होगा, ठीक है, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन होंगे, क्लाइमेट और वेदर से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडस्ट्री होगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे, इंडस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन मिडिवल हिस्ट्री, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, तीनों से क्वेश्चन होंगे, तो आप परेशान नहीं होइए, मैं इन सब चीज़ों को कवर अप करूंगा, ठीक है। इंडियन कल्चर और हेरिटेज से क्वेश्चन होंगे, मेजर फोकस ऑन मेजर करेंट्स इन इंडियन थॉट्स, लिटरेचर और आर्ट, ठीक है, लिटरेचर और आर्ट से भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आई होप कि आपको सारी सिलेबस समझ में आया, अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे लिख दीजिए। और जैसे मैंने लैंग्वेज की बात की, ठीक है, जैसे मैंने लैंग्वेज बात की, ऑल्सो विल इंक्लूड 2 सेट्स ऑफ मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन ऑन लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, ठीक है, इसमें लैंग्वेज कंप्रीहेंशन हिंदी और इंग्लिश पे होगा, ठीक है, इसकी बात मैंने पहले कर दी।
ठीक है। और इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं जो जो फैकल्टी अवार्ड्स में मिलेंगे। तो इसमें कौन कौन से ऑनर्स मिलेंगे आपको? मिलेंगे आपको अरेबिक मिलेगा, बंगाली मिलेगा, हिंदी मिलेगी, कन्नडा मिलेगा, मराठी मिलेगा, पर्शियन मिलेगा, पाली मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, तमिल मिलेगा, तेलुगु मिलेगा, उर्दू मिलेगा, नेपाली मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, जैपनीज मिलेगा, चाइनीज मिलेगा। ठीक है, जैपनीज चाइनीज शायद बंद हो गए हैं, ठीक है, ऑनर्स पेपर में, तो ये शायद ना मिले आपको, बट और सब मिलेंगे। जर्मन मिल जाएगा, फ्रेंच मिल जाएगा, फ्रेंच में काफ़ी ज़्यादा फोक है। रशियन मिल जाएगा, रशियन भी शायद बंद हो गया बट मिल सकता है, अगर उन लोगों ने चालू कर दिया होगा। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री विद आर्कियोलॉजी मिल जाएगा, हिस्ट्री ऑफ आर्ट मिल जाएगा, ठीक है, फिलासफी मिल जाएगी, लिंग्विस्टिक्स मिल जाएंगे, जियोग्राफी मिल जाएंगी, मैथमेटिक्स मिल जाएगा, स्टेटिस्टिक्स मिल जाएगा, टूरिस्ट एंड ट्रेवल मैनेजमेंट मिल जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। नोट ओनली सच स्टूडेंट हु हैव ऑफर्ड इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टडी एज ए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सोचा विल बी अलाउड। ठीक है, जिन्होंने जिनको इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन मिलेगा वो सिर्फ 2 साल तक इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स सोशल साइंस में आता है इसलिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। बी ऑनर्स इकोनॉमिक फॉर सच स्टूडेंट इन सीट में ऑलवेज फॉर इकोनॉमिक ऑनर्स लेवल। ठीक है, बी ऑनर्स में क्या होगा, आपको सिर्फ 10 सीट होंगी बी इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, तो आई होप कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और यहाँ पे एक सीट होता है पेड सीट, पेड सीट में होता है 15%, जितने भी सीट्स हैं उसका 15% हिस्सा आपको पेड सीट मिलेगा। यानी जैसे 400 सीट है उसमें 15% का 15% निकाल के सबको जो 15 का 15 चौका 60, ठीक है, 400 में से 460, सॉरी 1500 में से सॉरी 400 सीट में से सबको जो 400 सीट है और उसका 15% पेड सीट मिलता है। ठीक है, तो 400 का 60, 400 का 15% कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, 60 सीटें एक्स्ट्रा, 460 सीटें हो जाएंगी, वो जो एक्स्ट्रा 60 सीटें हैं उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। ठीक है, उसका एक्स्ट्रा पैसे कितना है, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी यूनिवर्सिटी फीस है आपकी 2,200 रुपये। ठीक है, और उसमें सपोज 2,000 रुपये 19 यूनिवर्सिटी फीस रेगुलर फीस की, अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेते हैं तो 10,000 जुड़ जाएगा, यानी 12,000 आपको पे करना पड़ेगा पेड सीट के लिए। ठीक है, तो आप ये बात क्लियर रखिए। और पेड सीट से रिलेटेड मेरे एक वीडियो भी है, आप उसको भी देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या फिर मैं पेड सीट से रिलेटेड अगला वीडियो मैं क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, तो मैं शुभम मिश्रा साइनिंग आउट फ्रॉम दिस वीडियो। प्रॉमिस करता हूँ कि अगले वीडियो में थर्सडे को फिर एक नया वीडियो लेके आऊँगा और जो आपको एक इंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, उसको क्रैक करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, और आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है, और बाय बाय, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग। तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि आप अपना gmail ID कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा, ताकि मैं आपको बनारस एकेडमी के यूट्यूब ग्रुप का मेंबर बना सकूँ। ठीक है, जिससे आप वहाँ पे मुझे अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि और मैं आपके आंसर देने में काफ़ी मुझे सहायता होगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप मुझे फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बनारस एकेडमी सर्च करके, @बनारस एकेडमी सर्च करके। अगर आपको मुझसे पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए विशेष चीज विशेष ऑफर्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। ठीक है, आप मेरे अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, रिकमेंड करिए, ठीक है, यानी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो BHO की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। ठीक है, तो बाय बाय, कीप लर्निंग टिल देन।